उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के चेयरमैन व प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल ने मंडल के अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस के सभागार में बैठक किया। बैठक में आईजी एडीजी जयनारायण सिंह, डीएम के विजयन पांडियन, एसएसपी डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, समाज कल्याण अधिकारी सप्तऋषि सहित मंडल के अन्य जिलों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आयोग के चेयरमैन ब्रिजलाल ने निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं के को पात्र लोगों तक पहुंचाया जाए तथा फर्जी तरीके से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र हासिल करने वालों की जांच की जाए तथा अगर प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाते हैं तो उनका प्रमाण पत्र निरस्त करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा ब्रिजलाल ने अधिकारियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की जानकारी देते हुए उसे कड़ाई से पालन किए जाने के निर्देश दिए। बैठक के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अनुसूचित जाति जनजाति के चेयरमैन ब्रिजलाल ने कहा, अगर ये फर्जी होंगे तो कहीं ना कहीं उसने जो जातियां बदलते हैं कि कल और ये जो सांसद जी हैं तो ये तो मेरा दिखाना है आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता, पेंशन और नस्ली में यहाँ आप लोगों को बैठे बुलाया, यहाँ पर इस टाइप की चीजें तो हो रही है। दूसरी एक चीज हमने अभी डीजी ऑफिस के तलब किया था 23% सुनने लाग यहाँ और 2% एस टी, अगर एस टी नहीं है तो कोई लोग पीडब्ल्यूडी का जरूर वो नहीं बोलता, वो भी है 27% बैकवर्ड। ये शासनादेश आपका एसीआर में लिखा जाता है, अमेरिकन नेक्स्ट टाइम राइट मोमेंट, ये आप समझे इसका उल्लंघन किया जो आपका लिखा जाता है, आपने एससी एसटी के अंतर्गत का भी हाँ जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके उसमें लिख दिया, लिख दिया हाँ कि उन्होंने रन फ्रंट प्रेजेंटेशन पर 5% था तो क्या सर इन दोनों ने तो 100% पूरा कर लिया सर, जो दो प्रोमिसर मिल तो होता है शासन देश से भी आपको बाई बाई। और देखिए ऐसा है हम लोग वर्ग माने हम ना किसी जात के ना वैराग्य पब्लिक को चूंकि गवर्नमेंट ने किया है। इस बैठक में आज यहाँ के डिविजनल कमिश्नर थे, डीएम गोरखपुर, एडीजी, आईजी और जो महाराजगंज देवरिया कुशीनगर के एडीएम और एडिशनल एसपी, इनके बैठक बुलाई थी। 3-4 इशू थे, एक तो मेन इशू था कि जो एससीएसटी एक्ट में जो घटना होती उसमें आर्थिक सहायता या आपको पंफलेट पर्चा वो मिल रही है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है 14 जून 2016 के बाद अगर कोई अनुसूचित जाति व्यक्ति की हत्या होती है वो घर का कमाने वाला है, परमानेंट अक्षम कर दिया जाता, हाथ काट दिया गया, आँख फूट गया और हत्या या मृत्यु, तो अगर वो कमाने वाला है तो उसकी विधवा उसके डिपेंडेंट को 5,000 रुपया महीना पेंशन है। ये सरकार ने किया है, मौजूदा सरकार ने, भारत सरकार का एक्ट है वो किया है भारत सरकार ने, पर 14 जून 2016 से इसके लिए शासनादेश हो गया है, पेंशन स्वीकृत हो रही है। एक लोगों को भ्रांति थी साहब किस मद से दिया जाएगा, वो तो शासन में गया है तो सबको जो जिनका अगर कमाऊ है आदमी तो 5,000 रुपया महीना पेंशन और साथ ही साथ उसके बच्चों को ग्रेजुएशन तो मुफ्त शिक्षा और घटना के दिनांक से 3 महीने तक का पूरा घर का खर्च और दूसरा मकान नहीं है तो मकान, ये चीज़ें एक नई धारा जोड़ी गई थी। तो एक दुर्घटना दुर्घटना वो जिसमें एसटी एक्ट लगता उसी में सहायता मिलती है। जैसे मारपीट में ज़्यादा किससे जाते हैं, पहले मिलता था 22,500, आज 1,00,000 है, तो उसमें FIR स्तर पर 25%, चार्जशीट पर 50%, और जब मुकदमे में डिसीजन हो जाएगा तो बाकी 25%। मर्डर में 50% मिल जाता है, 4,12,500 उसको FIR पोस्टमार्टम पर, और 50,000 मिलता है उसको, चार्जशीट लग जाती है, तो मर्डर में 8,25,000 है, मारपीट में 1,00,000 है, बलात्कार में सामूहिक बलात्कार में है 8,00,000, बलात्कार में 5,00,000। इस टाइप की जो आर्थिक सहायताएँ थी वो करीब 4 से 5 गुना सेंट्रल गवर्नमेंट में 2016 से उसको बढ़ा दिया। तो एक तो उसकी समीक्षा की चल रहा है, बस खाली ये है पेंशन का कि किस मद से दिया जाएगा, तो वो अभी उसका ऑर्डर शासनादेश जारी हो चुका है किस मद से दिया जाएगा, खाली हुआ जाएगा तो सबको पेंशन मिल जाएगी।